जय गणेश फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ बहुत ही यम्मी और टेस्टी लड्डू जो बहुत ही झटपट तैयार हो जाते हैं बन करके। क्योंकि आज मैं भगवान के भोग के लिए बना रही हूँ तो मुझे जल्दी से बनाना है, झटपट तैयार करना है इसको। ये 10 मिनट में तैयार हो जाते हैं ये लड्डू बन करके और बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं सभी को, घर के सभी लोगों को आप ये लड्डू पसंद आएगा। और आप इसको कभी भी बना सकते हैं किसी मेहमान के आने पर, या फिर कभी भी आपकी इच्छा हो तो बना सकते हैं इसको। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मूँगफली और गुड़ के लड्डू हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कढ़ाई में मूंगफली को भूंजेंगे। तो ये करीब आधा किलो मूंगफली ली हूँ मैं कढ़ाई गैस में चढ़ा करके, और इसको अच्छे से हम स्लो आंच में भूंजना है इसको, जब तक ये चटकने न लगे। तो इसी तरह हमको लगातार चला के भूंजना है, स्लो आंच में इसको भूंजना है। और देखिए इसका कलर चेंज हो चुका है, मूंगफली जो है अच्छे से चटकने लगी है, ये इस भूंज करके तैयार हो गई है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल के ठंडा करेंगे, जब तक हम गुड़ को मैश कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ आधा किलो मूंगफली थी मेरी, तो आधा किलो गुड़ ली हूँ मैं, और मूंगफली भी हमारी देखिए ठंडी हो गई है। तो इसको मैं इसके सारे छिलके निकाल ली हूँ, आधा किलो गुड़ ली हूँ। आपको कम करना है तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग गुड़ कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और फिर एक जार में हम मूंगफली और गुड़ को दरदरा पीसेंगे। तो थोड़ा सा मूंगफली डालेंगे और थोड़ा सा गुड़ डालेंगे, और थोड़ा थोड़ा सा हमको लगातार मिक्सी नहीं चलाना है, नहीं तो एकदम बारीक हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा सा चला करके रुक रुक करके इसको पीसेंगे, तो ये दरदरा पीसेगा। फ्रेंड्स, आज बामन द्वादशी है, तो मैंने भोग के लिए ये लड्डू बना रही हूँ मैं। बहुत जल्दी है मुझे बनाने की, तो जल्दी बन जाते हैं ये लड्डू, इसीलिए मैं इसको बना रही हूँ। देखिए सारी मिक्सचर को हम इस तरह से पीस लिए हैं, आपको भी इस तरह से पीस लेना है। अब हम क्या करेंगे, एक कढ़ाई लेंगे, उसमें थोड़े से हम ड्राई फ्रूट्स भूंजेंगे। आप अगर आपको ड्राई फ्रूट्स डालने हैं तो आप इसमें डाल सकते हैं, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो घी ली हूँ मैं एक चम्मच, और थोड़े से बादाम कट करके ली हूँ बारीक, मखाना ली हूँ इसको भी आधा कट कर ली हूँ, और नारियल ली हूँ क्रश करके थोड़ा सा। सारी चीज़ों को हम इसमें डाल देंगे और इसको स्लो आंच में भूंजेंगे थोड़ा सा। इससे लड्डू का टेस्ट बढ़ जाएगा। आपको यह नहीं डालना है तो इसके बगैर भी लड्डू का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है, स्किप भी कर सकते हैं आप। अब एक छोटी कटोरी में, आधी कटोरी में यहाँ सफ़ेद तिली ली हूँ, थोड़ा सा इसमें काली तिली भी मिक्स है। सबको अच्छे से मिला करके हमको भूंज लेना है। जब तिली अच्छे से चटकने लग जाए तो गैस हमको बंद कर देना है, एकदम स्लो आंच में हमको भूंजना है ये, नहीं तो जल जाएगा। गैस बंद कर दीजिए, और फिर ये जो मिक्सचर हमने बना करके तैयार किया है मूँगफली और गुड़ का, तो इसमें हम सारे ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। तिल भी आपकी इच्छा के अनुसार आपको डालना हो तो आप डालिए, नहीं तो स्किप कर सकते हैं आप। तिल का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है, इसलिए मैं इसमें तिल डाली हूँ। सारी चीज़ों को आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए, और फिर इसमें मैं 3 से 4 चम्मच घी डाल रही हूँ। ये देसी घी है, घर में बनाया हुआ। 3 से 4 चम्मच घी डाल लीजिए इसमें, और थोड़ा सा ये गरम है तो इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और बामन द्वादशी में, क्योंकि बामन द्वादशी है, तो बामन लड्डू इसके मैं बनाऊंगी छोटे छोटे, भगवान को चढ़ाने के लिए, भोग लगाने के लिए। सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और जल्दी जल्दी इसके लड्डू बना करके तैयार कर लेंगे। इस तरह से मैं छोटे छोटे लड्डू बनाऊंगी, बामन लड्डू बना करके तैयार करूंगी। तो ये देखिए मुझे बहुत जल्दी है, इसलिए मैं ये लड्डू बना रही हूँ। बहुत जल्दी में ये लड्डू बन जाते हैं, 10 मिनट में बन करके तैयार हो जाते हैं फ्रेंड्स। ये वीडियो मैं बामन द्वादशी के दिन
बनाई थी, आज इसको अपलोड कर रही हूँ। और देखिए लड्डू बन करके तैयार हो गया है। इसी तरह हमको सारे लड्डू बना लेने हैं। तो ये देखिए 52 लड्डू हमारे बन करके तैयार हो गए हैं। थोड़ा सा इसका मिक्सचर बच गया है, तो उसके थोड़े बड़े लड्डू बनाई हूँ मैं। ये सारे लड्डू भोग के लिए हैं। और ये देखिए बचा हुआ मिक्सचर का ये लड्डू बन करके तैयार हुआ है। तो इतने लड्डू हमारे बन गए हैं, बहुत ही ज्यादा टेस्टी बने हैं ये लड्डू। तो आप भी बनाइए, आप इसको कभी भी बना सकते हैं फ्रेंड्स। बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगते हैं ये लड्डू, सभी को पसंद आने वाले हैं। तो बनाइए, खाइए और एंजॉय करिए आप मेरा वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।